गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं घर पे ही अपनी शीट मार्क्स कैसे बनाती हूँ। मेरी जो स्किन है वो ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, की स्किन भी मेरी तरह ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, तो आपके लिए ये रेमेडीज़ बहुत हेल्पफुल हैं। सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि शीट मार्क्स ज़रूरी क्यों हैं। बेसिकली शीट मार्क्स कोरियन स्किन केयर में आता है, तो जैसे कोरियंस की स्किन ब्राइट और टाइट होती है, तो वैसे ही शीट मार्क्स भी हमारे स्किन को ब्राइटनिंग और टाइटनिंग में हेल्प कर। नॉर्मली हम सिरम को डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जब हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं सिरम या फिर सॉल्यूशन को, तो वो 1 या 2 मिनट के बाद स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। बट अगर हम शीट मास्क के साथ उसको यूज़ करते हैं, तो वो एटलीस्ट 15 मिनट तक हमारे स्किन पे रहता है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव। आप कोई भी वेट वाइप यूज़ कर सकते हैं, अमेजोन से शीट टैबलेट्स जो आती हैं वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलते हैं वीडियो। यहाँ मैंने कुकुम्बर को घिस के उसका रस निकाल लिया है। अगर आपके पास कुकुम्बर का टोनर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैं टी ट्री ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और यहाँ मैंने नेक सीरम के लिए लिया है एलोवेरा जेल, गुलाब जल, ग्लीसरीन और लेमन और विटामिन ई का कैप्सूल। यहाँ हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। लाइक अगर आपको एलोवेरा जेल ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। मुझे ग्लीसरीन बहुत कम चाहिए होती है, तो मैं बहुत कम ग्लीसरीन यूज़ कर रही हूँ। एंड लास्ट में यहाँ पे लेमन और विटामिन ई के कैप्सूल मिक्स करके एक सीरम रेडी कर लेंगे हम इसमें। ये बहुत ही बेसिक सीरम है, हर स्किन टाइप के साथ जाता है। और नेक्स्ट सीरम मैं रेडी करूँगी ग्रीन टी से। मैंने यहाँ पे लिप्टन की ग्रीन टी यूज़ किया। आप कोई भी ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ग्रीन टी को आप इस तरीके से थोड़े से पानी में डाल के और बॉईल कर लीजिए, और हमें ये ठंडी होने के बाद ही यूज़ करनी है। तो मास्क बनाने के लिए आप कोई भी वेट वाइप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके की टैबलेट आपको अमेजोन पर मिल जाएंगे, जिसको पानी में जब हम डिप करते हैं तो वो खुल जाती है और एक टिश्यू की तरह बन जाती है। तो इस तरीके से आप टिश्यू को स्ट्रेच कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और जब हम शीट मास्क बनाएं तो हमारे पूरे फेस को कवर कर सकें। शीट मास्क जैसा शेप देने के लिए इसको 2 टाइम आपको फोल्ड करना है अच्छे से। 2 टाइम फोल्ड करने के बाद 3 फिंगर का गैप लेके सीजर्स से हमें यहाँ पे सर्कल क्रिएट करना है। जब हम इसको सर्कल में क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद में एक फोल्ड को हम ओपन करेंगे एंड 2 फिंगर्स की गैप के बाद एक कट लगाएंगे। एंड देन 1 फिंगर का गैप रखेंगे और एक वी शेप देंगे, और ये शीट मार्क्स हमारा तैयार है। अब हम इसको सिरम में डिप करेंगे। जो सिरम आपको यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुकुम्बर वाला सिरम आज यूज़ कर रही हूँ। मैंने जो बेसिक मैंने बनाया था एलोवेरा ग्लीसरीन लेमन वाला, वो भी मैंने कुकुम्बर वाले में मिक्स कर दिया है। और अब इस तरीके से पहले इसको अच्छे से डिप करना है। फेस पे शीट मास्क लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा सीरम बच गया है आप उसको इस तरीके से लगा सकते हैं, या हैंकी को बिना कट करे भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं फेस पे। 15 मिनट रखने के बाद फेस पे कुछ इस तरीके से मसाज करना है, और बाद में फेस वॉश करने की नीड नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय, लव यू।